देश में पांचवें चरण के चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे के केंद्र में सरकार बनने के लिए एक दूसरे से मुलाकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव को केरल के मुख्यमंत्री मार्क्सवादी पार्टी के नेता पिनरई विजयन से मुलाकात की खबर ये भी है कि चेन्नई के डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं यूपी में मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब की तीसरे मोर्चे की सरकार सोमवार की रात तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के केरल के सीएम और मार्क्सवादी पार्टी के नेता पिनरई विजयन के घर पर खाना खाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि गैर बीजेपी और कांग्रेस नेता केसीआर की मुलाकात के दौरान देश में गैर कांग्रेस सरकार के गठन को लेकर भी बात हुई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने संकेत दिया है कि अगर उन्हें पीएम बनने का मौका मिलता है तो वे यूपी अम्बेडकर नगर से ही चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक राह अंबेडकर नगर से होकर गुजरती है। बीजेपी के नेता सूर्यवर्णम स्वामी ने संकेत किया है कि अगर बीजेपी 230 से 220 सीटें जीतती है तो मोदी दोबारा पीएम ना बने। उन्होंने कहा कि बीएसपी एनडीए में शामिल हो सकती है, एनडीए मायावती को पीएम बना सकती है। फिलहाल मायावती ने अभी दो दिन पहले ही बीजेपी के साथ जाने की बात को खारिज कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।